हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसे आप याद रखिएगा। विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। आप सभी को पता होगा ये होता है एक्सेल। एक्सेल अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, तो वो होगा टाइटल बार, ऑप्शन ए टाइटल बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रोज इन एमएस एक्सेल 2010। व्हाट इज द मैक्सिमम रोज, इसमें रोज के बारे में पूछा है इन एमएस एक्सेल 2010। 10 84 567, 10 48 567 या 10 48 576, या ऑप्शन डी है हमारा 10 84 576। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, 10 48 576 हमारा राइट आंसर होगा। ये रोज की हैं, मैक्सिमम रोज हैं इसमें एमएस एक्सेल में। ये रोज की बात कर रहा है, रोज कितने होते हैं 10 48 576। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। देखिए इसमें कॉलम की बात कर रहा है और पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था रोज। रोज हमारी कितनी थी 10 48 576। इसको आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, 10 48 576। और इसमें है कॉलम, इसमें कॉलम की बात कर रहा है, तो कॉलम हमारे कितने होते हैं एमएस एक्सेल 2010 में पूछ रहा है। मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए कॉमल की, कॉलम की, सॉरी 10 384, 16 438, ये 16 843 या फिर 16 348। राइट होगा हमारा 16 384, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू, तो वो होता है ऑप्शन बी 5। अब वो कौन कौन से होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स या एडिटिंग। कौन कौन से होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, पांच होते हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू, होम मेन्यू में पांच होते हैं ये ग्रुप्स, वो कौन कौन से होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर है चलते हैं हम, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो चुका है कई बार। ऑप्शन हमारे डिलीट, इरेज, फॉर्मेटिंग या अनइंस्टॉल। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। अगला है, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम में आ चुके हैं। फर्मवेयर, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, फर्मवेयर। व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द आईटी एक्ट, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास द आईटी एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। वो कब हुआ था, 2000 में ये एक्ट, आईटी एक्ट पास्ट हुआ था। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलडीएपी। एलडीएपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलडीएपी का फुल फॉर्म है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए इधर इन चारों ऑप्शन में ये तीन, ये सारे कॉमन हैं और इसमें केवल ये पीछे का चेंज है, ये पीछे का चेंज चारों में, ये प्रोटोकॉल, ये इधर प्रोवाइडर है, प्रोग्राम है, प्रोटेक्शन है, तो हमारा राइट आंसर होगा, आप ये प्रोटोकॉल याद रखिएगा, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। सच एज वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मालवेयर, ऑप्शन सी मालवेयर। अगला है, व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन डेटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक, डिलीशन या मालवेयर, डिलीशन, मालवेयर्स। ऑप्शन है फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक या वायरस। राइट होगा हमारा साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस।
अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन है फिजिकल सिक्योरिटी, लिंक सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA अंडर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। CIA अंडर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एवेबिलिटी, कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एवेबिलिटी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन फोर लूप। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन फोर लूप, वो होता है तीन प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी तीन। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस या कंट्रोल प्लस ई। राइट होगा हमारा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए इज यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। चलिए अगला है, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नाउ, ऑप्शन ए नाउ। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। ऑप्शन सी सब डायरेक्टरी। अगला है, विच इज द सिक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेटर। ये तो भाई बहुत सिंपल है, विच इज द सिक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। ऑप्शन हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अगला है इनपुट प्रोसेस आउटपुट या आउटपुट प्रोसेस इनपुट, प्रोसेस इनपुट या आउटपुट। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS, तो वो है विंडोज, ऑप्शन बी विंडोज। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो वो कौन सा है, वो है वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने ये भी बताया कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें।